वेलकम, आप लोग देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेट आ रही है। एक्चुअली में मेरी एग्जाम की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको रेगुलर अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DNA से बना एंटीना क्या है और ये कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। उससे पहले वीडियो को जाकर लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो DNA होता है उसकी प्रॉपर्टीज लेगो स्ट्रक्चर्स जैसी होती हैं, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी होती हैं। और DNA जो होता है वो ह्यूमन हेयर से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा छोटा होता है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इससे DNA बेस्ड फ्लोरोसेंट नैनो एंटीना बनाया है जिसकी लेंथ सिर्फ 3 से 5 नैनोमीटर की है। कैनेडा की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एलेक्सिस ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। ये नैनो एंटीनास रेडियो वेव्स को रिसीव और एमिट दोनों करते हैं। ये लाइट को एक पर्टिकुलर कलर में या उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं और उसके बाद वो उस लाइट को अलग कलर में ट्रांसमिट कर देते हैं जिसे साइंटिस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। इन नैनो एंटीनास का मेन फंक्शन है कि ये प्रोटीन के कंटिन्यूस चेंज को समझ सकें, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है और वो अपने स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस चेंज करता रहता है। इसी प्रोसेस को प्रोटीन डायनेमिक्स कहते हैं और इसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये नैनो स्केल पे होता है और अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये इम्पॉसिबल काम भी कर दिया है। इस नैनो एंटीना मेथड से हम जो नेचुरल डिजाइन नैनो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी बहुत स्टडी कर सकते हैं और इस मेथड से जो शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन होते हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस एंटीना को रिसर्चर्स ने 3 अलग अलग प्रोटीन पर ट्राई किया। पहला है स्ट्रेप्टाविडिन, दूसरा एल्कलाइन फॉस्फेट और तीसरा प्रोटीन जी, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं जो कि फ्यूचर्स में आती रहेंगी। और रिसर्चर्स की टीम इस एंटीना का एक कॉमर्शियल स्टार्टअप शुरू करने का सोच रही है जिससे वो दूसरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जा सके और मेडिसिन जल्दी से जल्दी बन सके ऐसी पेंडेमिक्स की। अगर आप नैनो एंटीनास की इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन इस सब की हमें क्यों ज़रूरत है? इस सब की हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कोरोना पेंडेमिक ने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी है। कितने ही लोगों की डेथ हो गई, कितने ही लोग बेघर हो गए, क्योंकि जिस पर्सन पर वो डिपेंडेंट थे उनकी या तो पेंडेमिक की वजह से डेथ हो गई या फिर उनकी जॉब छूट गई। क्योंकि ये पेंडेमिक के वायरस होते हैं वे प्रोटीन स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं और उनकी पर्टिकुलर स्टडी नहीं हो पाती। इन नैनो एंटीनास की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि ऐसे खतरनाक महामारी और बीमारी से हमें बचाया जा सके। और नैनो टेक्नोलॉजीज में हमारा देश और पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।